क्रॉप टॉप विद साड़ी काफी स्मार्ट कॉम्बिनेशन है, बट अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम किस तरह से क्रॉप टॉप का सिलेक्शन करें ताकि वो हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली जाए एंड साथ में साड़ी में हमारा जो लुक है ना वो काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड मॉडर्न आए। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ कि अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको किस तरह के क्रॉप टॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट उससे पहले यदि अभी तक आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज देती हूँ, रैंडम बहुत सारी रील्स बनाती हूँ, अपने सब्सक्राइबर से चैट करती हूँ एंड अपना करंट लुक भी शेयर करती हूँ। मेरा इंस्टा आईडी है फाइंड योर फैशन 01। और अब चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। की जो बाजू है, बाजू का फैट काफी ज्यादा है तो उन्हें किस तरह के क्रॉप टॉप का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आपको जो भी क्रॉप टॉप लेना है ना उसमें स्लीव्स होना मस्ट है। अब आप बोलोगे कि नहीं हम हमेशा बोरिंग वाले क्रॉप टॉप ही सिलेक्ट करें, नहीं। देखिए दो तरीका है। सबसे फर्स्ट तरीका है कि आप स्लीव्स वाले क्रॉप टॉप ले, लेकिन स्लीव्स आप वर्सेटाइल डिजाइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक आप देखो ये मेरा बलून स्लीव है, एक है अगेन ये भी बलून स्लीव है। आप देखो इसका जो स्लीव है ना वो शिफॉन का है तो थोड़ी सी इसमें बाजू दिखेगी भी, थोड़ी सी ढकेगी भी, तो स्टाइलिश लुक मिलेगा। दूसरा है काफ़ी सिंपल क्रॉप टॉप, अगेन आपने मुझे बहुत सारे हॉल वीडियोस में देखा होगा ये पहने हुए। तो सिंपलिसिटी में जाना चाहते हो तो इस तरह के क्रॉप टॉप में इन्वेस्ट करें, काफ़ी स्टाइलिश लुक मिलेगा। एंड इसके अलावा आप जो भी अम्ब्रेला कट के जो स्लीव्स होते हैं ना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो फैब्रिक है आप देखो ये ऑर्गेंजा का है तो आप ऑर्गेंजा नेट सिफॉन ये सारे फैब्रिक में इन्वेस्ट कीजिए ताकि जो बाजू है ना वो बिल्कुल फ्लोई हो, स्टाइलिश दिखे, डिज़ाइनर दिखे, जिससे आपका ऑल ओवर लुक काफ़ी स्टाइलिश आएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप अपने नेक में ज़्यादा डिटेलिंग रखिए। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक और मेरा क्रॉप टॉप है जिसकी नेक में थोड़ी सी डिटेलिंग की गई है। यहाँ पर इस तरह से फ्रिल ऐड किया हुआ है, बट अगेन इसमें भी स्लीव्स होनी चाहिए, विदाउट स्लीव्स नहीं। ओके, तो हमेशा याद रखिए या तो आप अपने नेक में थोड़ी अच्छी डिटेलिंग करवा लीजिए या फिर स्लीव्स वाली क्रॉप टॉप पहनिए, वो कहीं ज़्यादा आपकी बॉडी को इन्हेंस करेगा। नेक्स्ट है जिन वुमेन की टमी है तो वो क्या करें। तो सबसे पहले आप जो भी क्रॉप टॉप का सिलेक्शन करें ना उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए हमेशा आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर देखिए कि उसकी लेंथ क्या है। अपनी टमी के अकॉर्डिंग, अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग उसका आप लेंथ मेजर करें और हमेशा अपना वहाँ तक लेंथ रखें जो कि आपकी टमी फैट को ना दिखाए। ओके, तो एक तो ये हो गया ऑप्शन कि आपको थोड़ी सी लंबी वाली क्रॉप टॉप में इन्वेस्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है कि आपको इन्वेस्ट करना है रैप क्रॉप टॉप में, जहाँ पे जो रैप होता है वो टमी के पास रैप होता है और वहाँ पे जो भी रैप वाले फैब्रिक होंगे ना वो आपके टमी को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करेंगे, जिससे आपके वेस्ट का एक बहुत अच्छा शेप भी आएगा एंड साथ में आपका जो टमी फैट है ना वो भी हाइड हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हमेशा ख्याल रखिए कि जब भी आपकी टमी है तो या तो लेंथ लंबा कर लो या तो रैप वाला क्रॉप टॉप ले लो। नेक्स्ट, जिन भी लेडीज के ना जो शोल्डर है वो काफ़ी ब्रॉड हैं तो वो किस तरह का क्रॉप टॉप सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी बंद गले के क्रॉप टॉप है, चाहे वो कॉलर में हो, चाहे वो इस तरह से चिक स्टाइल में हो, जीरो नेक के हो, ये सारा कुछ आपको अवॉइड करना है। जितने भी क्रॉप टॉप जिसमें आपका जो गला है, जो शोल्डर है, वो सारा कुछ बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, वो सारा आपको अवॉइड करना है। अब आपको किस तरह के क्रॉप टॉप सेलेक्ट करनी है, तो जितने भी डीप नेक के क्रॉप टॉप है, चाहे वो रैप क्रॉप टॉप हो या स्क्वायर नेक हो, स्वीट हार्ट नेक हो, वी नेक हो या यू नेक हो, ये सारे नेक लाइन के आप क्रॉप टॉप पहन सकते हो। इनफैक्ट आपके ऊपर जो भी बोथ नेक वाले जो क्रॉप टॉप होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेंगे। आप ये जरूर देखना कि आपका जो नेक है ना वो थोड़ा सा खुला खुला दिखे, जिससे ब्रॉड शोल्डर की वुमेन ना काफी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट दिखती है। स्लीव्स जो है वो टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि जितनी भी ब्रॉड शोल्डर वाली जो वुमेन होती है ना उनका जो आर्म होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो आप स्लीव्स पहने या स्लीव्स पहने ये टोटली ऑप्शनल है, बट नेकलाइन पे जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि यदि आपका जो नेक है उसकी हाइट शॉर्ट है तो आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले जितने भी ये इस तरह के चिक वाले जितने भी क्रॉप टॉप होते हैं, नेहरू कॉलर के क्रॉप टॉप होते हैं, जीरो नेक के जितने भी क्रॉप टॉप होते हैं वो सारा आपको अवॉइड करना है, या फिर जो भी बोट नेक के क्रॉप टॉप होते हैं वो आपको अवॉइड करना है। आपको क्या सिलेक्ट करनी है, इस तरह से जिनकी आगे की जो नेक है ना वो थोड़ी डीप होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, वो कहीं ज़्यादा आपके ऊपर अच्छा लगेगा, जिससे आपका जो नेक है ना वो इलॉन्गेट होगा। यही सेम मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर भी देखो वी गला है, यानी कि आगे से बिल्कुल डीप होगा, वी नेक में होगा। तो जितने भी वी नेक है, यू नेक है, स्वीट हार्ट नेक है, स्क्वायर नेक है, ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हो बजाय कोई भी गला बंद क्रॉप टॉप के। ओके, तो क्रॉप टॉप लेते वक्त जिनकी भी शॉर्ट नेक है ना इस बात का ख्याल रखिए।
कि उसका भी बस साइज बड़ा है, तो वो किस तरह से क्रॉप टॉप का सिलेक्शन करे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जितने भी नेक में जो फ्रिल्स होते हैं या फिर नेक में बहुत डिटेलिंग होती है या बिल्कुल क्लोज नेक होते हैं, ये सारा कुछ आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बस साइज हैवी है तो उसमें ये और हैवीनेस ऐड कर देते हैं। लाइक आप देखो, मैं इस तरह से यहाँ पहनी हूँ ना, यदि आप पूरा क्लोज नेक वाले कोई भी क्रॉप टॉप पहनोगे तो ये वाला पार्ट आपका कहीं ज़्यादा वाइड दिखेगा। तो बेहतर है कि आप जितने भी नेकलाइन वाले जितने भी क्रॉप टॉप है ना, उसमें इन्वेस्ट करें। आप वी में कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कट्स में जा सकते हो, खास करके नेकलाइन में। बट हमेशा याद रखिएगा कि नेक में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि जिनके भी बस्ट साइज हैवी है ना, आप क्या करो, अपने स्लीव्स में अच्छी डिटेलिंग वाली स्लीव्स के आप क्रॉप टॉप में इन्वेस्ट करो। लाइक आप रफल स्लीव्स वाले जो क्रॉप टॉप होते हैं या फिर अम्ब्रेला स्लीव्स वाले होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कट्स के जो स्लीव्स वाले होते हैं ना, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर यदि आप स्लीवलेस जा रही हैं तो डीप नेक पहने। ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये सारे टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए यदि आपको अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप टॉप लेना है। एंड फिर आप देखना, जब भी आप उसे साड़ी के साथ वियर करोगे ना, तो आपका ऑल ओवर लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा एंड आपको ढेरों कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड बताइए कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। Thank you.